नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आप स्पेशल शो देख रहे हैं राजस्थान से जुड़ा। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं अब विधानसभा चुनाव नज़दीक आते आते ही गर्माने लगी है, जहां कांग्रेस के सचिन पायलट और बीजेपी के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब अपनी हलचलें शुरू कर रही हैं, क्योंकि उनको लेकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो अब वो फजीहत हो चुकी है जम करके। और उपचुनाव में जिस तरीके से हार हुई थी बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं अभी उसका मसला वो थमा नहीं है। इससे केंद्र सरकार है या फिर यूं कहें कि केंद्र नेतृत्व है, संगठन है, वो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे से अच्छा खासा नाराज है। और इसी लेकर को प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के कहीं ना कहीं कवायदें शुरू हुई थी उसको चेंज करने के लिए। तो राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है और एक साख और धाक पूरी दुनिया में कायम हो रही है, क्योंकि हम सभी देशों के साथ भाईचारे में विश्वास रखते हैं। हालांकि पोखरण परमाणु परीक्षण की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से 12 में आयोजित युवा शक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजे ने कहा कि हम शरीफ जरूर हैं मगर कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हैं। यानी अगर कोई आँख उठाकर देखेगा तो हम उसे अपनी ताकत भी बता सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि परमाणु परीक्षण के समय अमेरिका सहित कई देशों ने हम पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए, लेकिन उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अपने इरादों पर अटल रही। हमारा उद्देश्य किसी को आंख दिखाना नहीं, हमारी शक्ति का आकलन कराना है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए वसुंधरा राजे देखी गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं कि वसुंधरा राजे क्या राजस्थान की सत्ता को पूरी तरीके से समझ पाएगी, या फिर राजस्थान में जो कवायदें ये चल रही हैं कि वसुंधरा राजे पूरी तरीके से राजस्थान में कमज़ोर हो चुकी हैं। राहुल गांधी ने पूरी तरीके से कमान चुनाव की सचिन पायलट को थमा रखी है और सचिन पायलट पूरी तरीके से राजस्थान के हर उस बूथ पर जाकर के जो उनके जीतने की संभावना रखती है और नहीं भी रखती है, वहां जाकर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से कांग्रेस यानी कि बीजेपी पार्टी के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को गाड़ फेंकना है। तो क्या लगता है कि पायलट की जो चुनाव की जो नीति है, जो लोगों से रूबरू उनके सामने रूबरू होना, उनसे मिलना, क्या ये राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छा फैक्ट माना जाएगा? हालांकि देख लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत की साख और धाक पूरी दुनिया में कायम होती जा रही है, क्योंकि हम सभी देशों के साथ भाईचारे में विश्वास रखते हैं। पोखरण परमाणु परीक्षण की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से 12 में आयोजित युवा शक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजे ने कहा कि हम शरीफ जरूर हैं मगर कमजोर बिल्कुल नहीं। अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम उसे अपनी ताकत भी बता सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि परमाणु परीक्षण के समय अमेरिका सहित कई देशों ने हम पर कई प्रकार की प्रतिबंध लगाए, लेकिन उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अपने इरादों पर अटल रही। हमारा उद्देश्य किसी को आंख दिखाना नहीं, हमारी शक्ति का आकलन कराना था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज हिंदुस्तान पहली बार शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाना जा रहा है, और ये सिर्फ वसुंधरा राजे का एक प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एक चाटुकारिता या कहें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से विश्व स्तर पर अपनी पैठ जमा के रखी है, उसमें वसुंधरा राजे सिर्फ एक मलाई डालने का काम कर रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे चाहती हैं कि राजस्थान में वो हमेशा के लिए बनी रहे। जब से उपचुनाव राजस्थान में हुए, उपचुनाव के बाद एक समीकरण
सामने आया कि वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए कारगर साबित नहीं हो पा रही। इसके लिए पार्टी स्तर पर विरोध दर्ज हुआ। आलाकमान अफसर जाकर के दिल्ली के आलाकमान अफसर से मिले, लेकिन बीजेपी की दिक्कत ये है कि वसुंधरा राजे को अगर राजस्थान से हटाया जा रहा है तो फिर बीजेपी को खुद को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इन सारे बयानों के जरिए वसुंधरा राजे सिर्फ एक चीज़ ये करना चाहती हैं कि वो बीजेपी के आलाकमान संगठन से किसी भी तरीके की लड़ाई मोल नहीं लेना चाहती, और इसीलिए वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, चाहे वो अमित शाह की तारीफ हो, वो हमेशा इन चीज़ों के बीच सामंजस्य बनाए रखती है। इसीलिए आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है राजस्थान में, और राजस्थान की जो सियासी जमीन है वो बीजेपी के हाथ से निकल चुकी है। अब उसे दोबारा लौटाने के लिए बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, और कड़ी मशक्कत तभी होगी जब राजस्थान की गलियों में, राजस्थान के चौक चौराहों पर जाकर के जनता से पूछा जाएगा कि आपकी समस्या क्या है, और उस समस्या को हल किया जाएगा। तब जाकर के कहीं ना कहीं बीजेपी एक अलग स्तर पर उभर कर आएगी। हालांकि कांग्रेस ने इसको बहुत अच्छी तरीके से भुनाया है। सचिन पायलट जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजस्थान में, और वो हर एक गांव कस्बों में जाकर के लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को इस बार उखाड़ के फेंकना है, यानी कि उनकी सत्ता नहीं आने देनी है, क्योंकि इस सत्ता ने कहीं ना कहीं मजदूरों को और किसानों को बहुत ही ज़्यादा तड़पाया है और उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। सचिन पायलट अपनी पैट इस तरीके से जमाने में लगे हैं कि राजस्थान में आने वाले दिनों में उनके नेतृत्व में चुनाव हो सकता है, लड़ा जा सकता है, और यही कारण है कि सचिन पायलट पूरी दमखम के साथ राजस्थान चुनाव के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस को अगर राजस्थान में हवा देनी है, एक नई जान देनी है, तो वही एक ऐसे नेता हैं, नौजवान नेता हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक अलग पायदान पर पहुंचा सकते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता, उनकी भाषा शैली और उनका जो व्यवहार है वो वोटों के बीच इस तरीके का शामिल हो गया है कि उनको आजकल बड़े ही सम्मान से देखा जाता है। तो वसुंधरा राजे के लिए कहीं ना कहीं सचिन पायलट बहुत ही खतरा बने हुए हैं। हालांकि उस खतरे से निपटने के लिए आखिर वसुंधरा राजे क्या करेंगे? क्या वसुंधरा राजे सचिन पायलट जैसे खतरे को निपटने के लिए क्या वो कुछ चाल चलेंगी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करेंगी जिससे कहीं ना कहीं वो बच सकते हैं? जाहिर सी तौर पर अगर पोखरण को लेकर के वसुंधरा राजे ने ये सारी चीज़ें अपने देश के लिए बोली, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा भी छुपी हुई दिख रही है। अगर प्रधानमंत्री मोदी की वो तारीफ कर रही हैं तो केंद्र नेतृत्व से उन्हें ही खतरा है, और इसीलिए वो प्रधानमंत्री के करीबी भी मानी जाती हैं। लेकिन जब से उपचुनाव राजस्थान में बीजेपी हारी है उसको लेकर के कहीं ना कहीं केंद्र नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पूरी तरीके से वसुंधरा राजे से नाराज़ हैं, और उन्होंने यहाँ तक घोषणा कर दी थी, यानी कि यहाँ तक बातें राजनीतिक गलियारों में चलने लगी थी कि वसुंधरा राजे के चेहरे के जगह किसी और को लाना चाहते हैं। लेकिन दुविधा ये है कि वसुंधरा राजे राजस्थान का बहुत लोकप्रिय चेहरा है, तो अगर उनको हटाया जाता है तो कहीं ना कहीं राजे जो है वो बगावत शुरू कर देंगी, तो राजस्थान की हालांकि अभी वो स्थिति नहीं है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को हिलाया जा सके। अगर हिलाते हैं वसुंधरा राजे को तो कहीं ना कहीं बीजेपी में एक सुनामी आ सकती है। सुनामी आने का मतलब ये है कि वसुंधरा राजे का जो गुट है वो हंगामा मचा देगा, फिर ये होगा कि राजस्थान का जो चुनाव का फैक्टर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ खिसक जाएगा, क्योंकि अगर घर में जब लड़ाई होने लगती है तो पड़ोसी ही, या कि नहीं कि जो दुश्मन होता है सामने वाला, वो
कहीं ना कहीं फायदा उठा लेता है। और आखिर चुनाव के दौरान सबसे बड़ा दुश्मन अगर देखा जाता है तो वो कांग्रेस है बीजेपी के सामने। तो बीजेपी अपनी पूरी तरीके से ताकत झोंक रही है और बीजेपी के ताकत तो दिख रही है, कांग्रेस की ताकत तो दिख रही है, क्योंकि सचिन पायलट जिस तरीके से हर चीज़ में शरीक हो रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता राजस्थान के मैदान में नहीं उतरा है, ना फिर वो किसी से कुछ, क्योंकि सरकार राजस्थान में वसुंधरा राजे की है, बीजेपी की है, तो कहीं ना कहीं उनको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हमें करना क्या है। अगर ये इस चीज़ को नहीं सोचते हैं तो आने वाले दिनों में दिक्कत पैदा हो सकती है, वसुंधरा राजे की कुर्सी छिन सकती है, वसुंधरा राजे अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर इतनी मजबूत भी नहीं हो पाएंगी कि वो उनको कुर्सी बचा सके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।